رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ثنائے رب ذو الجلال اور ہدیے درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ فتمہ آپ تقریب جو بزم عطائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے زیر اہتمام مالک حقیقی کی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آقا پاک کے پیاروں سے اظہار وفا کے خوبصورت حوالوں سے انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوشبختی ہے کہ رات کی اس گھڑی میں بھی ہمیں رب نے اس کام کے لیے منتخب کیا کہ جب لوگ گہری نیند سو رہے ہیں ہمیں اس مالک نے یہ عزت بخشی کہ ہم اس گہری نیند کے وقت اس کے ذکر کے لیے حاضر ہیں اور اس کے پیاروں کے ذکر کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، بزم عطائے رسول کے سارے کارکنوں کو نبی پاک کی خاص عطا سے ممتاز مزین و معطر فرمائے اور حضور کی بے مثل عطاؤں میں سے جتنے افراد ہم حاضر ہیں ہمیں بھی لنگر خاص نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، خوبی قسمت ہے ہماری کہ آج کا دن 3 شعبان کا دن گزرا اور 3 شعبان معتبر تاریخی حوالوں سے وہ دن ہے جس دن میں اس ہستی کی آمد ہوئی کہ بلا شبہ خدا کا دین لانے والے، مخلوق تک پہنچانے والے آقائے نامدار ہیں، لیکن قیامت تک اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی دے کے اس دین کو بچانے والے تاجدار حیدر کرار ہیں، کربلا کے تاجدار ہیں۔ 3 شعبان ہے، آج امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک کا دن ہے، یعنی ہمیں خوشبختی یہ مل رہی ہے کہ محفل نعت کے عنوان سے بزم سرور کونین ہے اور دن و
वो दिन है जिस दिन में मीलादे हुसैन है। इमाम हुसैन पाक के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी मिसाल आप है। हर घर घर वाले को अच्छा लगता है, लेकिन तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार ने फरमाया हब इलैया मिन अहली, मुझे मेरा सारा घर प्यारा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा मुझे हुसैन है। अब जाहिरी बात है, किसी बंदे को किसी हस्ती को राजी करना हो तो उसका जिक्र बड़ा बेहतरीन वसीला होता है जो उसे बहुत प्यारा हो। आले सुन्नत ने ये नुक्ता फिक्र बना रखा है और ये तुर्रा इम्तियाज है कि हम माका पाक का जिक्र करते हैं। असल वजह उसमें ये है कि आका हुजूर रब को बड़े प्यारे हैं। जब हम नबी नबी करते हैं तो खुदा राजी होता है, और बिलाशुबा इमाम हुसैन पाक सरकार को बड़े प्यारे हैं। तो जिस तरह नबी नबी करने से खुदा राजी होता है, इसी तरह हुसैन हुसैन करने से नबियों का सरदार सुल्तान अंबिया राजी होता है। हम इस खुशकिस्मती के हामिल हैं कि हुजूर की हर निस्बत से प्यार करते हैं। आका पाक के वफादार सहाबा का तज़करा भी हमारे सीनों की ठंडक है, अहले बैते अतहार का तज़करा भी हमारा ईमान और हमारी पहचान है। अब ये यकीनन डंडी बनेगी कि दिन हुसैन का हो और अहले सुन्नत व जमात हुसैन के दिन में हुसैन को भुला दें। ये किसी बेगैरत नासबी का नजरिया तो हो सकता है, सिद्दीक पाक से लेके कयामत तक आने वाले किसी भी फकीर के गुलाम का नजरिया नहीं हो सकता। तो मैंने इसीलिए आज की इस महफिल में उस आयाए मुबारका को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया जिस आयाए मुबारका में अल्लाह ने ताजदारे अंबिया का कसीदा भी बयान फरमाया है और ताजदारे करबला का कसीदा भी बयान फरमाया। मुझे एहसास है रात की इस घड़ी में कोई लंबा मौजू ना शुरू करना चाहिए ना हक है, लेकिन ये भी मुझे एहसास है कि आप भी इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इतनी मुश्किल से यहां पहुंचा हूं। चले वक्त थोड़ा लगे, लेकिन बात तो कोई ऐसी हो जाए कि जिस बात के सदके में मोहम्मद की बारगाह से खैरात हो जाए। मैंने आका पाक और हुसैन पाक के जिक्र पाक को कुरान की रोशनी से मुजय्यन करके आप तक पहुंचाने के लिए जिस आयत मुबारका को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उस आयत मुबारका को उर्फ़े आम में आयते तत्हीर कहते हैं। कौन सी आयत कहते हैं? आयते। और 1400 साल से कोई भी बागैरत मुफस्सर ऐसा नहीं जिसने इस आयत की शर्त लिखते हुए, इस आयत की तशरीह लिखते हुए पहला नाम
मुस्तफा का न लिया हो, और पांचवा नाम ताजदारे करबला का न लिया हो। आयत तत्हीर की जितनी तफसीरें लिखी गई सैयदुल मुफस्सरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी, रसूल के चचा के बेटे, और इतना शरफ है इस बंदे को इल्मे कुरान के हवाले से कि हुजूर ने इन्हें पढ़ाया भी है और इन्हें दुआ से नवाज के इन्हें इल्म का मरकज बनाया भी है। इब्ने अब्बास ने खुद उस दुआ का जिक्र करते हुए तहदीसे नेमत के तौर पे कहा कि हुजूर ने जो मेरे लिए इल्म की दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को इल्मे वाफर अता कर, इल्मे कुरान अता कर, तो उसका असर ये हुआ है अल-इत्तिकान फी उलूमिल कुरान। अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास कहा करते थे कि हुजूर की दुआ का इतना असर हुआ है कि अब अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए लौदा अली इकालो बईरन लवजतहु फी किताबिल्लाह, अब अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं वो रस्सी ढूंढने के लिए मदीने की गलियों में खुरा नहीं निकालूंगा, मैं कुरान खोलूंगा, ऊंट की गुमी हुई रस्सी का पता मुझे कुरान की आयतें बताना शुरू हो जाएंगी। ऐसे इल्म कुरानी वाला शख्स इब्ने अब्बास कहता है लयुज़िबअनकुमुर रिज़्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं बिलाशुबा हुजूर की हर निस्बत वाले को सलाम है, सरकार के घर से हर ताल्लुक वाले को सलाम है, लेकिन ये आयत मुबारका खास तौर पर पांच अफराद की शान में आई। पहली हस्ती जनाबे मुस्तफा की हस्ती है, दूसरी हस्ती जनाबे अलीउल मुर्तजा की हस्ती है, तीसरी हस्ती सय्यदा फातिमतुज जहरा की हस्ती है, चौथी हस्ती हसन मुज्तबा की हस्ती है, और आयत तत्हीर में जिस हस्ती का पांचवें मकाम पर कसीदा है वो वही हस्ती है जिसका आज विलादत का दिन है, यानी ताजदार करबला की हस्ती है। इस खूबसूरत हकीकत को सामने रखते हुए मैंने आयत तत्हीर को बतौर उनवान तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अब आयत तत्हीर का हर हिस्सा इतने कमाल वाला है कि जिसको छेड़ू उसे फिर छोड़ने पे दिल नहीं करता, लेकिन अब वक्त की भी मजबूरी है, अपने हालात की भी मजबूरी है, मैं सिर्फ एक हिस्से को छोड़ रहा हूं, एक हिस्से को छेड़ रहा हूं, और शायद उस छेड़ से कोई छिड़ न जाए, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ छेड़ रहा हूं ताकि पैगाम भी पहुंचे किसी की छेड़ भी ना बन जाए। अगर लफ्जों की कदर की जाती तो शायद मैंने लफ्ज अच्छे बोले थे। यहां एक हिस्से को छेड़ रहा हूं, कुरान के हिस्से को छेड़ रहा हूं, किसी बंदे को नहीं छेड़ रहा। अब अगर कोई खुद ब खुद छिड़ जाए तो उसका इलाज तो मेरे पास कोई नहीं। मैं पूरी मतानत और दयानत के साथ आयत तत्हीर का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा छेड़ रहा हूं जिसमें मानी के समुंदर है, मफाहीम के बहर है, उनमें एक मोती भी हमें नसीब हो जाए तो हमारा जाहिर भी हसीन हो सकता है, हमारा बातिन भी हसीन हो सकता है।
अब चूंकि महफिल नात भी है और दिन भी मौला हुसैन की विलादत का है, तो दोनों हस्तियों की बारगाह में सलामी पेश करने के लिए अगर इकट्ठा कोई लफ्ज हो सकता है तो उस लफ्ज का नाम है पंज तन पाक। उस लफ्ज का नाम क्या है? पंज तन। जब तुम पंज तन पाक कहोगे तो फिर जाते मुस्तफा भी इसमें शामिल होगी, जाते हुसैन यानी जाते ताजदारे करबला भी इसमें शामिल। तो आइए पंज तन पाक की शान कुरान की रोशनी, पंज तन पाक की शान कुरान की रोशनी में अर्ज करने के लिए आयत तत्हीर का सहारा ले रहा हूं और सिर्फ एक इन नमा की बास भी नहीं छेड़ रहा वरना रात बीत जाए, युरीदुल्ला को भी नहीं छेड़ रहा वरना बहुत सी गुफ्तगू हो, वयुत्ताहिरा कुम को भी नहीं छेड़ रहा बहुत से मफाहीम बयान हो, तत्हीरा को भी नहीं छेड़ रहा कि उस पर भी बहुत से मकासद और मानी मौजूद है। मैं सिर्फ दरमियान में एक हिस्सा है उस हिस्से से अपने नसीब का हिस्सा वसूल करना चाहता हूं और वो हिस्सा है लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत। लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत। अब जरा तवज्जो करेंगे, मैं 15 मिनट बात करते मुझे हो गए, 15 से 20 मिनट और बात करूंगा, बोझ नहीं बनूंगा आप पर, लेकिन ये मिनट मेरे कहानी के नहीं होंगे, स्टोरी के नहीं होंगे, फजूल गुफ्तगू के नहीं होंगे। ये 15 से 20 मिनट जो मैं बात करूंगा इस बात में जितने लम्हात गुजरेंगे वो लम्हात कुरान के नूर से मुज़य्यन होंगे, मोहम्मद की जुबान के फैज से मुज़य्यन होंगे। बहुत सादगी के साथ बुजुर्गों से दुआ लेते हुए आप तक अपनी मोहब्बतों का नजराना पहुंचाते हुए मैंने बता दिया कि लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत। आज सिर्फ मेरा टॉपिक इतना है ताकि जाते मुस्तफा को भी सलामी हो, जाते ताजदारे करबला को भी सलामी हो, यानी पंज तन पाक को जो इस आयत में सलामियां बयान हुई उनमें से एक सलामी का जिक्र करने जा रहा हूं। किबला जो लफ्ज मैंने मखसूस किया आयत में से, इन लफ्जों का एक कमाल का हुस्न ये है, अगर मेरा ये फिक्र आप समझ गए तो बात यहीं से कहीं की कहीं चली जाएगी। इस छोटे से टुकड़े में हजरत ये हुस्न है कि अल्लाह ने इस छोटे से आयत के टुकड़े में पंज तन पाक की बेमिसलियत की शान भी बयान फरमाई है और मजे की बात यह है कि पंज तन पाक की कमाल पाकी की बेमिसलियत की शान भी इन्हीं तीन लफ्जों में बयान फरमाई है और क्यामत तक हर किस्म के पलीत और हर किस्म की पलीती की पहचान भी इन्हीं लफ्जों में बयान फरमाई। मैं फिर कह दूं ताकि आपका जहन तैयार हो जाए, लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्स में तीन लफ्ज है ना, लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्स तीन लफ्जों में मेरे मालिक ने पंज तन पाक की खास तौर पे कमाल की बेमिसलियत की शान भी बयान फरमाई है और अगली बात कि इनकी शान भी तीन लफ्जों में है, क्यामत तक पैदा होने वाले पलीतों की पहचान भी इन्हीं तीन लफ्जों में। तत्हीर के नुजूल ने ये कर दिया अयां, तत्हीर के नुजूल ने ये कर दिया अयां, वो रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर है, वो रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर है। तो दोनों खूबसूरत हकीकतें इसमें हैं, एक इनकी शान की हकीकत है
पाकों की शान है, दूसरा पलीतों की पहचान है। अब इससे ज्यादा खोल मैं नहीं सकता। ले जो जबान को मुर्रिच पाकों की शान भी बयान करता है और पलीतों की पहचान भी बयान करता है। अब पहले सुने पाकों की शान क्या है, फिर उसके साथ साथ खुलती जाएगी कि पलीतों की पहचान क्या है, ताकि अल्लाह तौफीक दे तो ना पलीत बने, ना पलीतों के संग चले, ना पलीतों वाली सोच रखें, ना पलीतों के साथी बने, पाकों का कुर्ब हासिल करें, ताकि अल्लाह तन को भी पाकी अता कर दे, अल्लाह मन को भी पाकी अता कर दे। किबला तवज्जो के साथ ले जो ज़िबा अनकुम रिच, पहली बात ये जहन में रखें कि ये मेरा कहा हुआ नहीं, ये डॉक्टर साबरी का कहा हुआ नहीं, ये लियो ज़िबान को मुर्रिश अजीजम डॉक्टर हम्माद रसूल का कहा हुआ जुमला नहीं। लियो ज़िबक अन को मुर्रिश ये रहमान का जुमला है और कुरान में आया हुआ जुमला है। ये रहमान का जुमला है और कुरान में आया हुआ जुमला है। अब बगैर किसी इख्तिलाफ के पूरी उम्मत मुस्लिमा को चैलेंज करते हुए अदब और एहतराम से ये कहता हूं, बेज़मीर न बनो, बेगैरत न बनो, सिर्फ लियुज़िबान कुमुर रिज़ का बंदे के बच्चों की तरह तर्जमा कर लो, तुम्हारा दिल भी कहेगा कि पंज तन पाक को अल्लाह ने इस कायनात में वो बेमिसलियत दी है कि न कोई उनकी फर्शों पे रीस कर सकता है, न कोई उनकी अर्शों पे रीस कर सकता है। वो शान क्या है जरा सुने, मेरे तौहीदी भाई भी सुने, मेरे बाकी शौक रखने वाले भाई भी सुने। अल्लाह फरमा रहा है हुजूर और हुजूर की अहले बैत की शान में, रब कह रहा है कि ए प्यारे नबी, जिस तरह तेरी जात की हिफाजत मेरे जिम्मे है। पूरी तवज्जो के साथ सुनने वाला जुमला, इसको जाया नहीं करना, ये पूरी तकरीर है तीन फिक्रों में। अल्लाह कह रहा है महबूब नबी और भी थे, रसूल मैंने और भी भेजे, लेकिन ये शान मैंने किसी रसूल को नहीं दी कि उसकी जात की हिफाजत उठाई हो, या उसकी किताब की हिफाजत उठाई हो, या उसके खानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली हो। ये जिम्मेदारी खुदा ने किसी रसूल या नबी की ली। अल्लाह कहता है भेजना मेरा काम, अमा ने भेज दिया, अब जात तुम्हारी की भी हिफाजत मेरे जिम्मे नहीं, किताब तुम्हारी की हिफाजत भी मेरे जिम्मे नहीं, खानदान तुम्हारे की हिफाजत भी मेरे जिम्मे, इब्राहिम जैसे जलीलुल कदर नबी को भी ये शरफ नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को भी ये शरफ नहीं। इसलिए अंबिया के वजूद भी चिरते रहे, उनकी किताबों में भी नुक्स आते रहे, तब्दील होती रही, क्यों? हिफाजत मखलूक के जिम्मे थी, खालिक के जिम्मे नहीं थी। जब बारी आई ना मेरे नबी की, तो अल्लाह ने ऐसा सेहरा मोहम्मद के सर पे सजाया, फरमा महबूब 1,24,000 भेजे, न किसी की जात की हिफाजत मेरे जिम्मे, न किसी की किताब की हिफाजत मेरे जिम्मे, न किसी के बच्चों की हिफाजत मेरे जिम्मे। हबीब तू हर लिहाज से बेमिसाल है, अकेला तू है नबियों और रसूलों की जमात में, मैं खुदा के ऐलान कर रहा हूं, तेरी जात का पहरा भी मेरे जिम्मे, तेरे कुरान का पहरा भी मेरे जिम्मे, और तेरे खानदान का पहरा भी मेरे। Yeah।
मैं एक जुमला भी कुरान से बाहर कह रहा हूं, मेरा गरेबान आपका हाथ। कुरान कहता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हबीब तेरी हिफाजत मैंने बंदों के जिम्मे नहीं रखी, तेरी हिफाजत मैंने अपने जिम्मे ले रखी है। अबू जाल से लेके अबू लाब तक जितनी कोशिशें कर ले, तुझ पर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि तेरी जान को खतरा हो जाए, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिफाजत मेरे जिम्मे है। यासिमो का मिनन नास, हबीब हिफाजत तेरी जात की मेरे जिम्मे। आ गई कुरान की बारी, कहा इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हबीब तेरी सिर्फ जात की हिफाजत ही नहीं, ये जो किताब कुरान तुझे अता की है, इसको नाजिल भी मैंने ही किया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मैंने ही उठा ली। और जब बात आई अली की, जब बात आई हसन की, जब बात आई हुसैन की, जब बात आई मेरी आका जादी सय्यदा फातिमतु ज़हरा की, तो रब ने वहां भी यही असूल रखा, फरमाया लियो ज़ेबा अनको मुर्रिज़। हबीब जिस तरह तेरे कुरान की हिफाजत खुदा के जिम्मे है, इसी तरह तेरे पांच तन पाक वाले खानदान की हिफाजत भी खुदा के जिम्मे। बाबा मैं जाकरी नहीं कर रहा, मैं वट्टे टिब्बे की आवाज नहीं सुना रहा, मैं तो अली और अली के बच्चों के लिए आपको कुरान का पैगाम सुना रहा। ये वो कसीदा नहीं है जो कच्ची सी आया हो, मैं वो कसीदा नहीं पढ़ रहा जो जंग सरगोदा के किसी शायर ने दिया हो, मैं वो कसीदा नहीं पढ़ रहा जो मंडी या मुल्तान से आया हो, मैं तो पाकों का वो कसीदा पढ़ रहा हूँ जो मोहम्मद की जुबान से आया है, अल्लाह के कुरान से आया है। तफसील में जाने का वक्त होता तो मैं एक एक जुमले पर बहस करता, अब मेरे हिसाब में मेरे पास पांच मिनट रह गए हैं, बुनियादी बात दे के बात को खत्म करना चाहता हूँ। इतनी तो समझ आ गई ना कुरान की रोशनी में आपको कि कुरान की हिफाजत किसके जिम्मे है। आहिस्ता बोले, और इन पांच के खानदान की हिफाजत किसके जिम्मे है, ये बात समझ में आ गई है ना केवल। अब मैं सिर्फ दावत फिक्र दे के बात मुकम्मल कर देना चाहता हूँ, लेकिन बहुत से बड़े मजमून की बुनियाद रख दूंगा इसी एक जुमले में। जितने भी मुसलमान हैं, किसका किसी मसलक से कोई तल्लुक हो, मैं आप जितने भाई बड़े भी बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, मेरे जैसे मरीज भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे, चाचा प्रोटोकॉल भी बैठा है, तो सारे लोग बैठे, प्यार वाले, मोहब्बत वाले, अकीदत वाले, गुलामी की निस्बत वाले, अच्छाई वाले, अच्छी फितरत वाले, मैं एक सादा सा सवाल करना चाहता हूँ और उसी सवाल से अपना हाल खोल देना चाहता हूँ। कुरान की हिफाजत किसके जिम्मे है, इस पांच तन पाक वाले खानदान की हिफाजत किसके जिम्मे है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए कुरान में कोई नुक्स हो सकता है, थोड़ी बोल रहे हो। किसी शिया के पास चले जाओ, देवबंदी के पास चले जाओ, अहले हदीस के पास चले जाओ, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुत्तफिक है कि ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, कुरान में कोई नुक्स। आहिस्ता बोले, वजह उसकी क्या है, तौरात भी तो कलाम खुदा का है, इंजील भी तो कलाम खुदा का है, जबूर भी तो कलाम खुदा का है, उनमें तो नुक्स हैं, वजह क्या है। किबला वजह यह है कि जब वो आई थी नुक्स नहीं था, आए आए जब वो आई थी उनमें नुक्स, जब बंदों के हत्थे चढ़ी तो नुक्स उनमें पड़ गया, क्योंकि उनकी हिफाजत का जिम्मा रब ने कोई नहीं उठाया था। रब ने ये तो कहा था भेजता मैं हूं, अब हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है, तो जिसकी हिफाजत हो गई बंदों के जिम्मे, वो अल्लाह की किताब भी नुक्सों वाली हो गई। नहीं समझ रहे, जिसकी हिफाजत बंदों के जिम्मे हो गई, वो चाहे किताब खुदा की थी, आई नबी पर, लेकिन उसमें नुक्स आ गए, कुरान में कोई रैब नहीं, क्यों?
کلام تورات بھی خدا کا ہے، کلام قرآن بھی خدا کا ہے، کلام انجیل بھی خدا کا ہے، کلام قرآن بھی خدا کا ہے، کلام کے آنے وقت کا مسئلہ نہیں، ان میں نقص پڑ گیا، اس میں نقص کیوں نہیں پڑا؟ تو ہر مسلمان کا جواب یہی ہے کہ بابا کلام کے ہونے کے حوالے سے ان میں بھی نقص کوئی نہیں، نقص اس لیے پڑا کہ ان کی حفاظت تھی مخلوق کے ذمے، قرآن کی حفاظت ہے خالق کے ذمے، قرآن کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ خالق کے ذمے، تو جو چیز خالق کے ذمے ہو اس میں کوئی نقص ہو سکتا؟ اس میں کوئی عیب ہو سکتا؟ اس میں کوئی کمزوری ہو سکتی؟ اس میں کوئی کجی ہو سکتی؟ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی؟ میں ہاتھ باندھ کے دعوت فکر دے رہا ہوں، یا کہ قرآن کی حفاظت والا خدا اور ہے، اہل بیت کی حفاظت والا خدا کوئی اور ہے، پھر تو ڈنڈی مار لے کہ ادھر نقص نہیں ہو سکتا، یہ خدا معاذ اللہ کمزور ہے، ادھر نقص ہو سکتا ہے، جب کائنات مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اسی ایک کے ذمے قرآن کی حفاظت، اسی ایک کے ذمے حسنین کی حفاظت، تو اب بے غیرتی نہیں چلے گی، اب ماننا پڑے گا، جس طرح اللہ کے قرآن میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، اسی طرح پنج تن پاک والے نبی کے خاندان میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن میں کوئی عیب ہے، کوئی عیب قرآنن عربیان غیر ذی عوج اللہم یتقون، قرآن میں کسی قسم کا کوئی عیب ہو سکتا؟ کیوں؟ حفاظت خدا کے ذمے ہے، مولوی ہوش کر، یا آیتیں قرآن سے نکال، پھر یا پھر دھیان کر، جس طرح قرآن میں عیب ہے حفاظت خدا کے ذمے ہے، اس طرح علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، زہرا پاک بھی عیب ہے، کیونکہ ان کی حفاظت بھی تیرے ذمے نہیں، ان کی حفاظت بھی خدا کے ذمے ہے۔ تھک نہیں گئے تو تیسرا جملہ کہہ دوں، سبحان اللہ کا مطلب ہے تھک گئے، ویسے تھکنا حق میرا ہے، میں نے مجھے عماد نے بہت کہا کہ اتر کے گاڑی سے صرف گھر میں چلیں چائے پی لیں، میں اتنا تھکا ہوا تھا، میں نے کہا اسے مجھے 10 منٹ گاڑی میں سو لینے دے، میں سو کے آ جاتا ہوں، تھکاوٹ کی حالت یہ تھی۔ اچھا اب توجہ کریں، تیسرا جملہ دے رہا ہوں، میں آپ سے سادہ سا سوال کرتا ہوں اور وہ سوال میری تقریر کا عروج ہو جائے گا۔ چلو یار، سارے قرآن میں تو نقص نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نقص ہو سکتا ہے؟ میں آسانی سے جواب دے، میں کوئی سائنس نہیں پوچھ رہا، کسی صورت میں نقص ہو سکتا ہے؟ اچھا صورت تو بڑی شے ہے، کسی آیت میں نقص ہو سکتا ہے؟ آیت بھی بڑی چیز ہے، کسی لفظ میں نقص ہو سکتا ہے؟ اچھا لفظ بھی بڑا چیز ہے، کسی حرف میں؟ کیوں نہیں؟ ہائے ہائے، بس مسئلہ تو حل ہو گیا بابا، جس طرح قرآن میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، قرآن کی صورت میں بھی کوئی نقص، قرآن کے جملے میں بھی کوئی نقص، قرآن کے لفظ میں بھی کوئی نقص، قرآن کے حرف میں بھی کوئی عیب نہیں ہو سکتا، پوچھو بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ کہو گے شاہ جی بے شک حرف ہے لیکن حصہ تو قرآن کا ہے، بے شک ایک لفظ ہے لیکن حصہ تو قرآن کا ہے۔ ہاں ہاں، یہ جملہ میرا آخری جملہ ہے اور میں اس پر پوری طرح آپ کے ذہن کو تیار کرنا چاہتا ہوں، حرف میں عیب نہیں ہو سکتا، حصہ قرآن کا ہے۔ اور سادہ کروں، لفظ بہت آسان ہو جائے، جز قرآن کا ہے۔ کیا ہے؟ جز قرآن کا ہے، یا یوں کہو کہ یہ لفظ قرآن سے ہے۔ ہن بھی نہیں سمجھے دیتا ہے حضرت، صورت میں نقص نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کوئی علیحدہ صورت نہیں، یہ صورت قرآن سے ہے، یہ لفظ قرآن سے ہے، یہ جملہ قرآن سے ہے،
तो जो कुरान से है वो कुरान की तरह बेऐब है, बेनुक्स है, बेखता है, बेकमी है, बगैर किसी ऐब के है, क्योंकि लफ्ज भी कुरान से है, सूरत भी कुरान से है, आयत भी कुरान से है, रकू भी कुरान से है। अभी भी तुझे समझ ना लगे तो फिर तेरे नसीब, ये हर्फ लफ्ज आयत नुक्स नहीं हो सकता क्योंकि कुरान से है। अब मैं हदीसें पढ़ने लगा हूँ, ज़हन तेरा तैयार होना चाहिए। नबी फरमाते अली युम मिन्नी, अली भी मुझ से है, अल हसन मिन्नी, हसन भी मुझ से है, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा भी मुझ से है, और अल हुसैन मिन्नी, हुसैन भी मुझ से है। अल्लाह आपको सलामत रखे, इज्जतों के साथ, अजमतों के साथ, पाकों के जिक्र का सत्कार अब आपकी इज्जतों में इजाफे फरमाए। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त आएगा, वक्त से हाजिर हो जाएंगे तो जरा वक्त ज्यादा इस बात में गुजरेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो पैगाम देना था मैंने थोड़े वक्त में भी दे दिया कि कायनात में ये ऐसा खानदान है जिसमें ना कोई नुक्स हो सकता है ना कोई ऐब हो सकता है, क्योंकि इनका मुहाफिज, इनका पहरेदार रब जुल जलाल है। खुदा की कसम, मैं तो जब भी ये आयत पढ़ता हूँ ना, लफ्ज मुझे छोटे लगते हैं, जुमले मेरा साथ छोड़ जाते हैं, सोचें मेरे साथ एक मिनट नहीं चल सकती, मैं तो ये सोच के बिल्कुल शल हो जाता हूँ, फालिज ज़दा हो जाता हूँ कि यारो अल्लाह कहता है इस खानदान का पहरा मेरे जिम्मे है, अली का पहरा मेरे जिम्मे है, हसन की इज्जत का पहरा मेरे जिम्मे है, हुसैन की इज्जत का पहरा मेरे जिम्मे है। मैं तो जट कल्चर का आदि हूं ना, मैं पहरेदार भी देखता रहता हूं, और जिनका पहरा दिया जा रहा होता है उनको भी देख रहा होता हूं। तकड़े पहरेदार होते हैं तकड़े बंदों के, मुझे ये सोच के ही अजीब शौक आता है, दुनिया वालों किन की बातें कर रहे हो, जिनका पहरेदार इतना ऊंचा है वो इज्जतदार कितने ऊंचे। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी, दुआ में शामिल हो जाएं, इसी में सलाम पढ़ लेंगे। मुस्तफा जान रहमत पे बेहद सलाम, सदर बज़्मे रिसालत पे बेहद सलाम, सैयदा आमिना मुशफिका मोहसिना मरकज नूर वहदत पे बेहद सलाम, असले तत्हीर पर उम्मे शब्बीर पर मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे बेहद सलाम, उनके सिद्दीक को फारूक को उस्मान पर, उनके हैदर की अजमत पे बेहद सलाम, उनके सिबतैन पर यानी हसनैन पर, बादशाहान जन्नत पे बेहद सलाम, कासए मशदी भी भरे या नबी आपकी जूदो सरवत पे बेहद सलाम, मौला जिन्नु जेड़ी ये कमी पूरी उक कर दे, सदके शह कौन दे तू झोलियां भर दे, जहरा दया लाला दे तू सदके मेरे मौला, हर एक दी मुरादा पूरी कर दे मेरे मौला, सोने दे घराने दा रखी चाक हमेशा, पक्का दे कदमा दी रखी खाक हमेशा, हर दा भला हर दी खैर, महफिल सजाण आलियां दी खैर, महफिल च आण आलियां दी खैर, किसी भी हवाले ना कोई खिदमत सर अंजाम देण आलियां दी खैर, साडे शहर दी खैर, साडे मुल्क पाकिस्तान दी खैर, सोने नबी दे हर गुलाम दी खैर, मेरे मालक दी सारी मखलूक दी खैर, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।